इंजेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कुछ पता नहीं क्या है, बट इसको हम लोग को खोल के सफा करना पड़ेगा। तो ये बाइक शायद सेलिंग में भी है, बट मेरे को ये बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, बट कुछ ज्ञान तो मिलेगा, ठीक है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मेरे को। इतने दिन ना मतलब मिल्क टी खाना छोड़ दिया, बट ग्रीन टी एकदम शरीर के लिए भी अच्छा है। अदरक मतलब अदरक दिखाई दे रहा है ना, वो अदरक है सर्दी के लिए भाई एक नंबर, ठीक है। पता नहीं क्या होगा ये सपना पूरा मेरा, बट जब भी होगा ना भाई खतरनाक होगा, एक नंबर होगा। फिलहाल अभी तो अपने पास तेल भराने के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है। जो मतलब मिस्त्री हो जो भी हो, चाहे ना जितना वो करते जाएगा उतना वो सीखते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब 100% होता है, सब मिस्त्री 100% काम सीख लेता है, कोई भी मिस्त्री 100% काम सीखा हुआ नहीं होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह सुबह नया दिन का शुरुआत, ठीक है, किचन से शुरू हो रहा है हम लोग, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम लोग बनाने जा रहे हैं चाय, ये चेक करो गाइस, ये ग्रीन टी। तो मेरा बुखार पूरा ठंडा हो चुका है, तो फिलहाल अभी हम लोग चाय वाय बना के खाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद शुरू करेंगे ड्यूटी। सो क्या होगा क्या नहीं होगा गाइस, क्या ही बोले मतलब पता तो नहीं है, बट वीडियो रोज करना पड़ेगा, ठीक है। चेक दिस आउट गाइस, अपना गैस जल्दी आया है और भाई ने तो ग्रीन टी ऑलरेडी बना के रखा है मेरे लिए, थोड़ा सा बचा दिया है, ठीक है। तो इसको गर्म करते हैं, तो इसको खाते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते नमस्कार गाइस, एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, में स्वागत है आपको फिर से एक बार मौसम निमाम ब्लॉग में। तो आज का वीडियो गाइस कुछ इस तरह का है, ठीक है। सुबह सुबह शुरुआत हो रहा है हम लोग किचन से, और अभी एक मतलब एक प्रॉब्लम क्या आ चुका है फिलहाल, मतलब एक छू भाई घर जाएगा और काम का प्रेशर फिर से पूरा बढ़ जाएगा। तो कुछ दिन ना मतलब मिल्क टी खाना छोड़ दिया, बट ग्रीन टी एकदम शरीर के लिए भी अच्छा है। अदरक मतलब अदरक दिखाई दे रहा है ना, वो अदरक है सर्दी के लिए भाई एक नंबर, ठीक है। तो सिंह गाइस अभी क्या ही बोले, भाई जाने वाला है घर, ठीक है, और हम लोग ने पी लिया है चाय। सो भाई जाएगा बोल रहे घर, मतलब लड़का टू नहीं आया मेरा दोस्त, क्योंकि उसके पास उसका सामान सामान कुछ है, तो वो आने के बाद ही ये घर जा पाएगा, क्योंकि इसका बीहू का छुट्टी 4 दिन है, 14 तारीख को ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का तो बीहू का छुट्टी उठी नहीं है भाई, क्या ही बोले, कहीं पर जाएंगे घूमने के लिए, वीडियो तो बनाएंगे वही लोग होगा, हम लोगों का वीडियो तो ये भी जा रहा है। तो अभी फिलहाल मेरा भाई तो दूसरा भाई तो चला गया घर, ठीक है, और गैरेज में सिर्फ अपे हो गया हम और दूसरा भाई, चेक करो गाइस ये भाई काम कर रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, ये स्कूटी का किक तो थोड़ा जाम हो रहा था, सो हम लोग ने किक विक खोल के थोड़ा बहुत मतलब ग्रीजिंग व्रीजिंग कर दिया है। सो मेन बात गाइस क्या है, मतलब हम लोग के पास आ चुका है एक हिमालयन, चेक दिस आउट गाइस, क्या ही खूबसूरत है ना, भयंकर। सो इसका मतलब इंजेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कुछ पता नहीं क्या है, बट इसको हम लोगों को खोल के सफा करना पड़ेगा। फ्यूल इंजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब गाड़ी चलते चलते मतलब मिस कर रहा है, और मतलब बहुत दूर से आया है गाड़ी में उठा के, शायद पता नहीं मतलब चेन सब पूरा देखो ना किया है, मतलब कभी भी शायद ये चेन इस पॉकेट में तेल का दर्शन नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है। तो इसीलिए ये हालत है भाई, इतना खूबसूरत गाड़ी को ये हालत बना के रखा है भाई, क्या ही बोले मतलब। तो ये बाइक शायद सेलिंग में भी है, बट मेरे को ये बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये बाइक लेने का तो बहुत ही शौक है, बट सब कुछ करता है पैसा, ठीक है, सब पैसा का चक्कर है बाबू भैया, क्या ही बोले। ये गाड़ी तो मतलब सेलिंग में फिलहाल, और इसका प्राइस है भाई बनने के बाद 75,000, क्या ही बोले। अगर कोई देख रहा है वीडियो, मतलब कोई लेना चाहता है तो भाई ले सकते हैं, ठीक है, फुल पावर के साथ। मतलब अभी उन लोगों का मतलब बोल रहा है कि अभी सेल करने से करेगा 75, ऐसा कुछ बनने के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा क्या पता नहीं मेरे को, बट हो सके तो मेरे को लेना है। मतलब अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा बाइक है मेरा, ठीक है। ऐसे भी आपका बाइक को मतलब टूरिंग करना बहुत ही ज़्यादा शौक है ना ऑफ रोड में, तो ये बाइक भाई क्या ही बोले, मतलब भयंकर बाइक है, ठीक है, एक नंबर खतरनाक ऑफ रोडिंग के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी फिलहाल इसका इंजेक्टर को सफा उफा करते हैं, खोलते हैं फिलहाल, ठीक है। जो जितना नया बाइक है खोलने में उतना मजा आता है, ठीक है। तो नया नया चीज़ देखने को मिलता है, नया नया मतलब मिस्त्री हो जो भी हो, चाहे ना जितना वो करते जाएगा उतना वो सीखते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब 100% होता है, सब मिस्त्री 100% काम सीख लेता है, कोई भी मिस्त्री 100% काम सीखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि नया नया बाइक निकलता जाता है, उसको बनाने चांस नहीं मिलता है, और जो पुराना होता है वो खत्म होते जाता है। ऐसे ही नया नया चीज़ खोलते जाओ, सीखते जाओ, बनाते जाओ, थोड़ा खराब, जब तक खराब बने, खराब होगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही है, अभी इसको खोलते हैं, इसका पार्ट पुर्जा पूरा छितरा देते हैं, ठीक है, बढ़िया से इंजेक्टर तो निकाल के वॉशिंग करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इंजेक्टर वॉशिंग करने का तरीका कुछ अलग है, बट मेरे को पता है, ठीक है। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद अपन ये गाड़ी को चेक करते हैं एक बार, ठीक है। सो अगर क्या ही बोले, मतलब मेरे को भी हिमालयन लेना है भाई, क्या ही बोले, और हिमालयन लेने के बाद टूर करना, ठीक है, फुल पावर के साथ। मतलब पता नहीं क्या होगा ये सपना पूरा मेरा, बट जब भी होगा ना भाई खतरनाक होगा, एक नंबर होगा। फिलहाल अभी तो अपने पास तेल भराने के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है, जो है सही है अपना बसंती 2.0, ठीक है, उसी के साथ अभी राइड वाइड होता जा रहा है, बट सीन भाई अभी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल ये है गाइस हिमालयन का की, ठीक है। सो इसको ऑन करके देखते हैं प्रॉब्लम तो क्या है, आप लोगों को एक बार प्रॉब्लम चेक करा दो भाई, ये चेक करो,
ये लगा दिया हमने इग्निशन कॉइल में स्विच, ठीक है। सो मोटर भी चालू हो चुका है फिलहाल। मोटर का साउंड चेक करो भाई, सुना ना मोटर का साउंड है ये, ठीक है। तो अभी इसका मिसिंग प्रॉब्लम चेक करो। ये तो फिलहाल स्मूथ से तो फिलहाल स्टार्ट में रह रहा है, ठीक है, बट ऐसा पकड़ा बंद हो जा रहा है भाई, क्या ही बोले मतलब। ये चेक करो, यही है इसका मेन प्रॉब्लम ही। सो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो इसका मेन प्रॉब्लम है, जो कि हमको बोला है भैया टू, मेन प्रॉब्लम इसका यही है। सो हम लोगों को सॉल्व करना है यही प्रॉब्लम, जो कि गाड़ी मतलब स्लो में नहीं बैठ रहा है, गाड़ी टू क्या हो रहा है मतलब रेस में नहीं बैठ रहा है, बुबू 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 करके, और फुल पिकअप देने से गाड़ी टू मिस कर दे रहा है। मेरे को लग रहा है फिलहाल कहीं पर टेंकी के भीतर में जो मोटर रहता है, शायद वो मोटर मिस कर रहा है क्या, उधर कचरा वचरा जाम लग गया, मतलब क्या बोल रहा था, रख दिया रहा बारिश के पानी में, शायद मतलब बारिश के पानी में रखने से भी टेंकी के भीतर में पानी जाने का कोई चांस तो नहीं होता रहा, बट शायद घुस भी सकते हैं क्या मालूम, ठीक है। सो एक बार इसको खोलते हैं, ठीक है, खोलने के बाद ही आप लोगों से एक ही बार मिलते हैं। सो इसको खोलने का तरीका भी क्या ही बोले मतलब फर्स्ट है, ठीक है। सो फुल पावर में मजा आने वाला है मेरे को, ठीक है, जो कि क्योंकि मेरे को ना भाई क्या ही बोले, नया नया बाइक जब खोलने को मिलता है ना भाई, इतना खुशी महसूस मिलता है ना भाई, इतनी खुशी भाई, क्या ही मतलब सुकून भाई, क्या ही बोले। मैकेनिक का भी अलग सुकून है, ठीक है, मतलब जब भी कोई नया बाइक आएगा उसको खोलने को मिलेगा भाई, क्या ही बोले, खतरनाक नेक्स्ट लेवल। ये रहा हिमालयन, ठीक है, हिमालयन कितना सीसी का है पता नहीं मेरे को, बट अभी इसका इंजेक्टर खोलना शुरू करते हैं। सो हम लोग ने सीट वीट खोल लिया, ठीक है, फिलहाल अभी इसका इंजेक्टर जो प्रॉपरली पूरा सफा करते हैं, क्योंकि टंकी वंकी भी हम लोगों को वॉश करना है। बट ये गाड़ी ना भाई क्या ही बोले, एक नंबर है रे भाई, खतरनाक हैवी है, ठीक है। तो चेक करते हैं मेरा दोनों चलुआ सब अभी फिलहाल घुस गया है, ठीक है, तो ये सब मतलब कुछ ज्यादा ही मजा करता, ठीक है। तो फिलहाल इसका इंजेक्टर टू गाइस चेक दिस, मतलब पूरा फुल पावर में भीतर दबा हुआ है, इसके बीच में है पूरा, हम लोग ये वाला तो साइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइड करने के बाद हम लोग को इंजेक्टर मिलेगा, वो इंजेक्टर हम लोगों को वॉश करना है। फिलहाल इसका टैंकी तो निकाल दिया, तो गाइस ये हो चुका है इंजेक्टर, ठीक है। सो ये पाइप, इस समय हम लोग पाइप कुछ यूज करने के बाद इसको थोड़ा सफा वफा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, नहीं होने से हम लोगों का ना गाइस इसका जो ये आप लोगों को ये मोटर दिखाई दे रहा है, ये मोटर भी हम लोगों को सफा करना पड़ेगा। बट मोटर का तो साउंड आ रहा ही है बढ़िया से, मतलब देखते हैं क्या सीन होता है अभी, ठीक है। पहले ये इंजेक्टर तो बढ़िया से वॉश कर लेते हैं, मतलब अगर इंजेक्टर वॉश नहीं करने से ना फिर गंडगोल हो सकता है, ठीक है। तो इंजेक्टर तो हमने इस जगह से खोल दिया है, चेक दिस आउट गाइस, वो रहा इंजेक्टर का होल, ठीक है। तो फुल पावर में चेक करते हैं इसका क्या सीन है। इसका ये प्लग टू चेक करो भाई, मतलब यहाँ में प्लग एक टू है, ठीक है। ये प्लग टू मेरे को लगता है ना अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहा है, बट प्लग टू नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो पहले एक बार इसको खोल के देखते हैं, मतलब जैसे पल्सर गाड़ी में लगता है ना, पल्सर बाइक में वही प्लग लगाया हुआ दिखता है, लेकिन बुलेट में तो थोड़ा अलग रहता है, बट इसमें तो पल्सर का प्लग जैसा लग रहा है मेरे को भाई, क्या ही बोले। तो खोल लेते हैं, सब पहले इसका प्लग टू खोलने के बाद हम लोग हो सके तो प्लग भी नया लगा देंगे, क्योंकि इसका ये प्लग टू ना मेरे को बहुत मतलब नॉर्मल लग रहा है, बट जैसा होता है ना पल्सर में होंडा में ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्लग सिस्टम वैसा लग रहा है ऊपर से देखने के बाद, बट खोलने के बाद ही पता चलेगा प्लग टू कैसा है। सब पहले प्लग टू खुलने वाला है मेरा, ठीक है, प्लग खोल चुका है फिलहाल। तो इसका प्लग टू ना इतना नॉर्मल होगा बोल के हम सोचा नहीं था, गाड़ी तो इतना हैवी है, प्लग भी थोड़ा बहुत हैवी होना चाहिए, जैसे बुलेट का 350 क्लासिक कुछ अनोखा होता है ना प्लग, थोड़ा मोटा सा बड़ा सा एकदम बढ़िया वाला, बट इसका ना प्लग टू भाई क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल लग रहा है मेरे को, ना नॉर्मल लगाया गया है ना, अगर ठेठी नॉर्मल है तो भाई क्या ही बोले ना, तो थोड़ा सा अलग तो होना तो चाहिए, क्योंकि ये भी बुलेट का ही है, रॉयल इनफील्ड का ही है कंपनी का, बट प्लग तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिया है भाई, बिल्कुल। ये चेक करो गाइस, प्लग चेक करो,
पूरा नॉर्मल प्लग है, पल्सर 150 का प्लग लग जाएगा इसमें। थोड़ा ऊपर का ठेटू मतलब कुछ अलग अलग टाइप का, थोड़ा पतला मासा है, बट ये नीचे का जो है ना प्लग का स्पार्क ठेट, ये पूरा पल्सर का लग जाएगा, ठीक है। सो ये प्लग भी हम लोग नया चेंज कर देते हैं, पहले इंजेक्टर सफा कर लेते हैं, होने से मोटर भी सफा कर लेंगे। मेरा भांजा तो क्या क्या काम करता है, सुबह उठ के रोटी भी बनाता है, चाय भी बनाता है, और शाम में आके पानी पूरी भी बनाता है। भाई मेरा भाई को भी 10 रुपये का पानी पूरी दे देता, शायद खाएगा, हम नहीं खाएगा, मेरा भाई तो खाएगा, ठीक है। पानी पूरी तो देख के ना मेरे को भी बहुत ही ज्यादा खाने का मन कर रहा है, बट मेरा कुछ प्रॉब्लम कुत्ता काटने की वजह से हम टेंगा वेंगा कुछ नहीं खा सकते, खट्टा वट्टा सो मेरे भाई को खिला जाए। फिलहाल अभी भांजा तो पानी पूरी, मतलब ये होटल में भाई क्या ही बोले, पानी पूरी भी मिलता है, सब कुछ, मेरा भांजा ऑलराउंडर है, ठीक है। अभी गैरेज का हालत गाइस कुछ ऐसा है, ठीक है, फुल पावर के साथ मैं चारों तरफ बाइक ही बाइक है, चेक करो गाइस। तो अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि इसमें मेरा हिमालयन का कुछ काम है, बट हिमालयन फर्स्ट टाइम खुला हुआ है आपका भाई, ठीक है भाई, क्या ही बोले, मतलब अलग सा नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। बट अभी मतलब इंजेक्टर सफा करने के लिए थोड़ा सा टाइम है, बट मेरे पास मतलब जिस गाड़ी से बैटरी निकाल रहा है वो गाड़ी का गाड़ी को लेकर कहीं पर गया है, तो वो गाड़ी आ जाना चाहिए, हम लोगों का बैटरी भी आ जाएगा, सब बैटरी से उसका पावर चेक करते हैं इंजेक्टर का, उसके बाद फुल पावर में मतलब सेटिंग वेटिंग करने के बाद नया प्लग लगाते हैं और टंकी वंकी भी वॉश करते हैं, हो सके तो टंकी का जो भीतर में मोटर रहता है वो मोटर को भी वॉश करने के बाद पेट्रोल वेट्रोल, मतलब ऐसा होता है ना जो फ्यूल पंप इंजेक्टर वाला जिसका इंजेक्टर वाला गाड़ी है FI वाला, उसमें 3 लीटर से मतलब 3-4 लीटर मतलब तेल एनी टाइम देना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कम होने से भी गाड़ी को मिसिंग प्रॉब्लम आता है। तो फिलहाल अभी टंकी खोलने के बाद पता चला कि ये गाड़ी में फिलहाल टंकी में तेल ही नहीं है भाई, मतलब तेल है 2 लीटर से थोड़ा ऊपर होगा, बट टंकी में मतलब बारिश का पानी भीगा हुआ बोला है, सो पानी होनी भी हो सकता है, सो टंकी को सफा करते फिलहाल कैसा आता है सीन, मतलब ठीक है टंकी के भीतर से। तो वो करने के बाद हम लोगों को प्लग वाला कुछ यहाँ में प्लग लगाना है, इंजेक्टर लगाना है, और फ्यूल मोटर को सफा करने के बाद वो भी सेट करना है, और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखना है। गाड़ी का हालत तो भाई क्या ही बोले, मतलब पूरा कबाड़ी हो गया है। सो ये गाड़ी सेल करने से ना आपके भाई के पास अगर पैसा होता ना भाई, ये गाड़ी कब का खरीद लेता, ठीक है, ड्रीम बाइक है भाई, ड्रीम बाइक क्या ही बोले, मतलब इसका खतरा इतना मतलब कबाड़ी बना के रखा है ना भाई, क्या ही बोले, ये गाड़ी को मेरा होता तो इतना मतलब इतना इसको मतलब रानी बना के रहता, ठीक है, मतलब खतरनाक बोले तो एक नंबर। तो फुल पावर में जो इस वीडियो भाई को सपोर्ट करना ना बोले, कोई दिन आएगा आपका भाई भी हिमालयन ले सकेगा, ठीक है, बट अभी तो फिलहाल पैसा वैसा नहीं, क्या ही बोले, मतलब ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है सीन, इसको बनाने का फुल पावर में कोशिश करते हैं, बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, बट कुछ ज्ञान तो मिलेगा, ठीक है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मेरे को। सो फुल पावर में इंट्रोड्यूस वीडियो, ठीक है। तेरा फरकी हेराना तिमी तरके तरके तिम्रो सामु बोली फुर्दैन म अड्के अड्के आए।